बैक टू यूट्यूब चैनल फ्रेंड, आज हम बात करने वाला हूँ भुवनेश्वर से मुंबई तक के फ्लाइट के टिकट के फेयर चार्ज कितना है आज के डेट में। कोरोना के बाद की मैं बात कर रहा हूँ, यानी कि भुवनेश्वर से मुंबई तक के फ्लाइट का डिटेल मैं बताने वाला हूँ, कितने तक का टिकट के प्राइस है, कितना डिस्टेंस है, कितना समय लग सकता है, कैसे हम टिकट बुक कर सकते हैं, सब चीज़ें यहाँ पर बताने वाला। तो चलते हैं, सीधे आगे बढ़ते हैं। आगे बढ़ने से पहले यही कहूँगा, वीडियो को अभी लाइक कर दो, नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब कर दो और बेल आइकन दबाना मत भूलना। तो आगे आते हैं, यहाँ पर पहले हम बात करते हैं डिस्टेंस के बारे में। तो 1359 किलोमीटर है टोटल फ्लाइट से, और जो टाइम लगेगा इसको कवर करने फ्लाइट को, 2 घंटे 20 मिनट के आसपास में लग जाते हैं। और मैं बात कर लेता हूं अब एयरपोर्ट कोड्स के बारे में। भुवनेश्वर का है BBI और मुंबई का है BOM। अब चलते हैं, सीधे बुक करते हैं और आपको दिखाते हैं कैसे बुक करना है। सिंपल सा यहां पर आ जाना है वेबसाइट पर goibibo.com। मेक माई ट्रिप भी ले सकते हो, कोई भी ले सकते हो। यहां पर वन वे पे क्लिक करना है। वन वे पे क्लिक करने के बाद आपको डाल देना है BBI मतलब कि भुवनेश्वर, उसके बाद BOM मुंबई, उसके बाद अपना डेट सेलेक्ट कर लो किस डेट को आपको जाना है। मान लो हम 17 तारीख को चूज़ कर रहे हैं। उसके बाद रिटर्न हमें नहीं, वन वे लगाए हैं। उसके बाद वन ट्रेवलर इकोनॉमिक क्लास है, इसके बाद सीधे सर्च कर देना है। सर्च करने के बाद यहाँ पर देख सकते हो बहुत सारे फ्लाइट्स के डिटेल्स आपको दिख जाती हैं, कैसे बुक करना ये मैं आपको बताने वाला हूँ। यहाँ पर देखो इंडिगो है, भुवनेश्वर से 12:50 से फ्लाइट उड़ेगी, 2 घंटा 20 मिनट लेगा समय, और ये 15:10 पे आपको पहुँचा देगा मुंबई, और 4908 रुपये आपको लगता है इसका टिकट के चार्जेस। नीचे आओगे तो ये है एयर एशिया का, 23:55 पे ये फ्लाइट्स है, और ये 2 घंटा 30 मिनट लेता है, और ये 2:25 पे आपको पहुंचा देता है, और 4908 रुपये लग जाते हैं इसके टिकट के चार्जेस। अब नीचे आओगे, ये इंडिगो का है, ये है 6:30 पे है, 5 घंटा 50 मिनट लग जाता है इसको पूरा करने में। क्यों? क्योंकि ये एक स्टॉप के साथ है, पहले ये डायरेक्ट मुंबई नहीं जाएगा, पहले दिल्ली जाएगा, वहाँ पर 1 घंटा 10 मिनट का हॉल्ट है, उसके बाद मुंबई जाएगी। और ये रेट देख सकते हो 4908 रुपये इसके फ्लाइट के चार्जेस हैं टिकट के। अब ऐसे बहुत सारे हैं, जो भी आपको पसंद करना चाहते हैं, जिस भी थ्रू से जाना चाहते हैं आप जा सकते हैं। वन स्टॉप लेकर जाना चाहते हैं वन स्टॉप लेकर जा सकते हैं, या फिर डायरेक्ट अगर नॉन स्टॉप मिल रहा है तो नॉन स्टॉप जरूर लें। और इसको बुक कैसे करना, पहले फ्लाइट डिटेल पे क्लिक करना है, उसके बाद आपको क्या करना है, सीधे व्यू फेयर चार्ज पे क्लिक करना है, उसके बाद बुक नाउ। इसमें भी 2 ऑप्शंस मिल जाते हैं, कुछ इसमें नीचे वाले में एक्स्ट्रा फैसिलिटीज मिलती हैं, लेकिन उसका 100-200 रुपये बढ़ जाता है। उसके बाद सीधे बुक नाउ पे क्लिक करो। क्लिक करने के बाद यहाँ पर देख सकते हो पूरा डिटेल आपको मिल जाता है, कब से कितने बजे उड़ान है, सब चीज़ें, कितना समय लगेगा, कितने बजे आपको पहुँचा देगा मुंबई, सब चीज़ें यहाँ पर दी रहती हैं। उसके बगल में आपको पेमेंट दिया रहता है, कितना आपको पे करना है, 4918 रुपये पे करना है। इंपॉर्टेंट इन्फॉर्मेशन, इसको भी देख लो, पढ़ लो। पढ़ने के बाद आपको क्या करना, नीचे अपना पूरा डिटेल देना होता है, जिसमें आपको फर्स्ट नेम, लास्ट नेम, ईमेल आईडी, फ़ोन नंबर सब देने के बाद आपको ये जो पेमेंट दिख रहा है इसको पे करने के लिए आगे प्रोसेस करेंगे। तो यहाँ पर नेट बैंकिंग, क्रेडिट कार्ड, डेबिट कार्ड, किसी से भी पेमेंट कर सकते हैं। सिंपल ऐसे ही आपको टिकट बुक कर लेंगे, आप ईमेल आईडी पे सब आ जाता है डिटेल। तो ऐसे ही बुक करना। बाकी बताओ वीडियो कैसा लगा, वीडियो अच्छा लगा तो लाइक करो, शेयर करो, नए तो चैनल को सब्सक्राइब करो। मिलते हैं अगले वीडियो में, तब तक के लिए बहुत-बहुत धन्यवाद इस वीडियो को देखने के लिए।